नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आज हम बनाएंगे आमरस पूड़ी। आम तो फलों का राजा होता है, इसे खाना तो सबको पसंद है, तो इसका आप रस बनाइए और नमकीन पूड़ी के साथ एंजॉय कीजिए। सबसे पहले हम पूड़ी की तैयारी करेंगे। पूड़ी बनाने के लिए हमने एक बड़ा कटोरा गेहूं का आटा लिया, उसमें अब हम डालेंगे एक छोटा चम्मच अजवाइन और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसमें मिला दीजिए आप नमक स्वाद अनुसार। अब इन सब चीज़ों को आपस में अच्छे से मिलाने के बाद इसमें आप डालिए 4 चम्मच कुकिंग ऑयल, 4 चम्मच। अब हम आटे को गूंथेंगे। इसमें पानी डालिए और हम कड़क आटा सान लेंगे। पूड़ी के लिए आटा थोड़ा कड़क रहता है। इसे अच्छे से गूंथिएगा, लेकिन देखिएगा ये कड़क रहे, ज़्यादा पानी नहीं डालेगा। अब हम इसे 5 मिनट ढक के अलग रख देंगे। हमने 2 से 3 आम को स्लाइसेस में काट लिया है। अब हमने इस आम को जूस बनाने के लिए जार में डाल दिया और उसमें डाला 4 चम्मच चीनी। आप अपने हिसाब से इसमें चीनी डाल सकते हैं। अगर आपका आम ज़्यादा मीठा है तो आप कम चीनी डालिएगा। और इसमें आप दूध डाल के अच्छे से इसे पीस लीजिए और आपका आमरस तैयार। आप दूध या पानी दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। अब आटे को हमने खोल लिया, उसमें हमने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला और थोड़ा सा और इसे गूंथ लिया ताकि ये सॉफ्ट डो में तैयार हो जाए। अब हम आटे के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। और इन टुकड़ों को हाथों के बीच में दबा के मलकर उसे हम पेड़े का आकार देंगे गोल गोल इस प्रकार से। अब हम इस आटे के पेड़ों में तेल लगा लेंगे दोनों तरफ और इसे गोल गोल पूड़ी में आकार दे देंगे। आपकी पूड़ियाँ ना ज़्यादा पतली रखिएगा ना ज़्यादा मोटी, ताकि ये अच्छे से फूले। अब हमने तेल गरम होने के लिए रखा था, इसमें हम पूड़ियाँ धीरे से डालेंगे और तल लेंगे बीच की आंच पे। अब पूड़ी को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक तलिए और जब तक कि आपको क्रिस्पी ना नज़र आए अच्छे से तल लीजिए। और अब इसे गर्मा गर्म सर्व करिए ठंडे ठंडे आमरस के साथ। मैंगो का सीज़न आए और आप इस तरीके से आमरस को पूड़ी के साथ इंजॉय ना करें तो क्या फ़ायदा। और भूलिएगा नहीं, ये अचार की लिंक मैं आपको नीचे दे रही हूँ, इसे भी बनाइएगा आप। साथ ही साथ तीखा खाइए और मीठा दोनों। ये हरी मिर्च का अचार भी बहुत टेस्टी लगेगा आपको। इसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हैप्पी कुकिंग।